नाउ द थर्ड ड्रग इज द कार्बाकोल. कार्बाकोल का सेकेंड नेम इज द कार्बामाइलकोलीन. वट वॉज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन बिथेनिकोल एंड द कार्बाकोल? मिथाइल ग्रुप का एडिशन वॉज इन दी बिथेनिकोल, जिसकी वजह से बिथेनिकोल निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था. अब जी कार्बाकोल के ऊपर तो मिथाइल ग्रुप है नहीं, तो क्या निकोटिनिक मस्करीनिक दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करेगा? ओके भी, इट विल गिव इट्स एक्शन ऑन दी मस्करीनिक एंड दी निकोटिनिक रिसेप्टर. भाई कार्बाकोल की बिथेनिकोल की तरह ही आपका ये जो देखो, अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करो, आपका कार्बाकोल इज आल्सो द एस्टर ऑफ द कार्बामिक एसिड. ठीक है भाई, क्योंकि एस्टर है कार्बामिक एसिड का, तो सेम वही प्रॉपर्टी जो बिथेनिकोल की थी, दिस इज द पुअर सबस्ट्रेट फॉर द एसिटाइलकोलीन एस्टरेज. क्लियर? अब जी इसके एक्शंस क्या हैं? भाई वैसे ही एक्शंस आएंगे जैसे कि एसिटाइलकोलीन के और बिथेनिकोल के आ रहे थे. पहला एक्शन देखो अभी इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या था, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एसिटाइलकोलीन का इफेक्ट क्या था, डिक्रीज कर देगा हार्ट रेट. ठीक है भाई, यही आ जाएगा. जीआईटी सिस्टम में क्या करेगा, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा. भाई सेम वही एक्शन आगे. ठीक है, अब जी आपके ऑथर ने स्टार्ट कर दिया, अगर मैं कार्बाकोल की बात करूँ, क्योंकि इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाकर भी काम करता है. निकोटिनिक रिसेप्टर आपके गैंगलिया पे हैं. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, क्योंकि इसकी गैंगलियोनिक स्ट्यूमुलेटिंग एक्टिविटी है, इसकी वजह से मेरा जो कार्बाकोल है दैट हैज़ दी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड दी जीआईटी सिस्टम. ठीक है, एज कम्पेयर टू दी बिथेनिकोल. अब जी इसने क्या किया कि पहले जी इसने, अब जी प्रोफाउंड इफेक्ट एग्जैजरेटेड सिस्टम का इफेक्ट आता है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने आगे जाके भी डिस्कस करने हैं कि पहले तो ये स्ट्यूमुलेट करेगा, फिर कॉन्स्टेंट अपने इफेक्ट की वजह से जो इसका इफेक्ट है वो डिप्रेस हो जाएगा. ठीक है, अब जी दिस कार्बाकोल कैन आल्सो रिलीज द एपिनेफ्रीन फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला. क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर जो एड्रीनल मेडुला पे थे, ये ड्रग वहाँ भी जाकर बाइंड कर जाती है. जब वहाँ जाकर बाइंड करेगी तो आपका एड्रीनल मेडुला ऑटोमेटिकली एपिनेफ्रीन और नोरएपिनेफ्रीन रिलीज करेगा. ठीक है, अब जी सेकेंड द थर्ड एक्शन इज़, क्या आप इसको आई में डालेंगे? वैसे ही एक्शंस आएंगे जैसे कि एसिटाइलकोलीन के आए थे. एसिटाइलकोलीन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा था? माइओसिस करवा रहा था, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, और आपका जी दैट वाज कॉजिंग द स्पैज्म ऑफ द एकोमोडेशन. कल डिस्कस की थी ना स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन, जिसमें क्या था, सीलरी स्पैज्म था. आपके जो सीलरी मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी. पैरालिसिस होगी तो देर विल बी दी नो अकोमोडेशन फॉर दी नियर विजन, ऐसे पढ़ा था ना कल. अच्छा जी, अब जी सीलरी मसल्स जो हैं वो आपके कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे, ये आपके ऑथर ने लिख दी. ये थे आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दी कार्बाकोल. अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं? बेस के पोटेंसी ज़्यादा है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी काम कर रहा है और जी मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर भी काम कर रहा है. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ग्रेटर है. ठीक है, कार्बाकोल फिर भी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट इन दी आई एज अ माइओटिक एजेंट टू ट्रीट दी ग्लोकोमा. आपके ऑथर ने फिलहाल यहाँ पढ़ के हमें लगता है कि अच्छा जी ग्लोकोमा में हम लोग कार्बाकोल को इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे जाके बच्चों हम लोग एक पूरा टेबल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर देखेंगे कि जी हम लोगों की फर्स्ट चॉइस ग्लूकोमा के लिए कार्बाकोल नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, इसने माइओसिस करवाई. माइओसिस में क्या किया कि इसने जो आपका प्यूपिल था उसको कंस्ट्रिक्ट करवा दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली देयर विल बी द डिक्रीज इन द इंट्राक्यूलर प्रेशर. अब एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ आ जाओ. एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है कि जी हम लोग इसको जब आइस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अ डोज दैट इज़ यूज इन ऑप्थामोलॉजिकली लिटल और नो साइड इफेक्ट अकर. क्यों भी, इस वजह से इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रही. सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्यों नहीं जा रही? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है? दैट इज़ द क्वार्टरनरी अमाइन. क्लियर? ये भाई आपकी ड्रग आ गई कार्बाकोल.